उपसल क्षेत्र के जगरी में निरंकारी सत्संग भवन में सोमवार को सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग सत्संग में शामिल हुए और माता माधुरी के श्रीमुख से ईश्वर के स्वरूपों का अनुसरण किया। इस दौरान माता श्री ने ईश्वर के विभिन्न रूपों और भक्ति से संबंधित कई उपदेश लोगों को दी। भजन कीर्तन के दौरान लोग झूमते नजर आए। बाद में बंगाल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इस बाबत माता माधुरी ने बताया कि प्रत्येक रविवार को सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हुए परमात्मा के दिव्य रूपों, कार्य और लीलाओं की जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि मानव को जाति भेदभाव उच्च नीच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईश्वर से अपना नाता जोड़ना चाहिए और शांति भाईचारा और नम्रता का जीवन जीना चाहिए। मौके पर गणेश महात्मा, विपुल महात्मा, राजेश महात्मा, माला बहन, प्रीति बहन, सेवा दल के वीरेंद्र महात्मा, विनोद महात्मा, पम्मी बहन, सरिता बहन, ललिता बहन, अनु बहन, मनोज महात्मा, रूपेश महात्मा, भोला महात्मा, डोली बहन आदि मौजूद थी। यहाँ पर जो सत्संग होती है प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक, और उनका उद्देश्य यही है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद इंसान बनेंगे। यहाँ पर इंसानियत भाईचारा का उपदेश दिया जा रहा है, जात पात किसी का नहीं है, और प्रभु परमात्मा को मानो यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है, जो ईश्वर है निराकार, इनका ईश्वर निराकार का यहाँ पर प्रार्थना होती है पूजा। तो जब अंदर ब्रह्म ज्ञान बसा हो तो बाहर की रैपिंग अपने आप में ही अच्छी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है तो वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान है और ब्रह्म ज्ञान उसमें नहीं है तो उसका जो इसलिए मैं नहीं आया, कोई सुझाव लेते नहीं है इसलिए मैं नहीं आया, हमारी बात को नजरअंदाज किया। हमारी मिशन है और यही मिशन से हम लोग को हर चीज, जैसे हर चीज का सुख और इंसानियत, तो जैसे दास भी बोलना चाहता है कि ये पहले भी कुछ, ये मतलब पहले का जिंदगी, अभी जब सोचता है सात संगत तो बहुत डिफरेंस है, तो बोलता है सात संगत जैसे कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। सीहोजी कॉलेज के निकट रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यह जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कुलनी, कुल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोग एवं फ्रैक्चर का इलाज एवं ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजीनिक अस्पताल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित कोई रोगी के लिए पवित्री हॉस्पिटल, यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार एवं अन्य तरह की समस्याओं का इलाज किया जाता है। हमारा पता पवित्री हॉस्पिटल कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूर्व में COD गिरजी।